8 दिसंबर दिन रविवार को यादव कुलदीपिका रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन गढ़ीमेंडू में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था यदुवंश कौरव की गाथा के लिए लोगों को प्रेरित करना। यहाँ पे यादव कुल की 25वीं जयंती मनाई गई। इस संगठन को आज 25 वर्ष पूरे हो गए। समाज के संगठन के लिए, भाईचारे के लिए और सभी को, जो विभिन्न प्रांतों से आए हुए लोग हैं, उनको सबको इकट्ठा करने के लिए और आपस में दूसरे एक दूसरे का परिचय करने के लिए हमने यहाँ पर एक ये स्थान, ये जगह सभी समाज के लोगों के सहयोग से बनाई हुई है, जिसमें सभी समाज के लोग विभिन्न कार्यक्रमों के अवसर पर यहाँ उपस्थित एकत्रित होकर के अपने विचार व्यक्त करते हैं और समाज के कल्याण के लिए सभी भाई सहयोग देते हैं और उसके काम के लिए रूपरेखा बना करके आगे काम करते हैं, जिसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज यह भी बताया गया कि श्री गोवर्धन धाम मंदिर और श्री कृष्ण छात्रावास का भी हमने फैसला लिया है और बहुत जल्दी यहाँ पे गोवर्धन धाम मंदिर और श्री कृष्ण छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, जिसमें गरीब बच्चों को, जो कि दिल्ली में बाहर से पढ़ने आते हैं, उनको रहने की सुविधा दी जाएगी और जिसमें उनके ट्यूशन और खाने पीने की व्यवस्था भी रखी जाएगी, जिससे उनका भविष्य बहुत अच्छे से अग्रसर हो और वह किसी भी परेशानी को लेके कोई भी दिक्कत फेस ना करें। ये जो अब जगह ली है, ये तो हमने 1985-86 में हमने लोगों ने जगह ली थी और यहाँ ली थी तब सबसे पहले इस बात को कहा था कि केवल धर्मशाला बनाने के लिए हम ये जगह नहीं ले रहे, बल्कि जो है समाज को हम कुछ देने के लिए, समाज के बच्चों को आगे कुछ कोचिंग वगैरह और उनको कुछ शिक्षा देने के लिए हम इस जगह को बना रहे थे। यहाँ छात्रावास और उसकी नींव हम लोगों ने उसी तब समय रखी थी, पैसा नहीं था, वो नहीं समय पर समय शुरू हो पाया, लेकिन अब धीरे धीरे वो जो है पिछले 2 साल से हम लोगों ने काम शुरू किया है। इसका एक हॉल तैयार हो चुका है कम्प्लीट और ऊपर का काम जो है वो अभी चल रहा है, उसे पिलर्स तैयार हो गए हैं, लेंटर पड़ना बाकी है। दूसरा में मैगजीन का जो है वो 1995 में हम लोगों ने शुरू की थी, तो मकसद ये था कि हमारे समाज की ना तो कहीं न्यूज आती थी और हमारे बारे में हमारे जो लोग हैं वो सोए हुए थे, उन लोगों को जगाने के लिए, उनको जो है अपने इतिहास से, अपने संस्कृति से, अपने देश की, क्योंकि या हमारे देश की संस्कृति मुख्यतः यादवों की संस्कृति है, तो इसको अब मैं काफ़ी हाईलाइट कर रहा हूँ। आज का खास तौर से उद्देश्य आज की जो बैठक है हमारा 25 साल में, तो उसका मेन वो ये है कि हम लोगों के संदेश दें कि हमारे देश की जो संस्कृति है वो मुख्यतः यादवों की संस्कृति है। यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पे आए बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने यादव कुल यदुवंशी गौरव की गाथा को भी लोगों के सामने प्रस्तुत किया। यादव कुल के बारे में लोगों को जागृत किया और समाज में एक अच्छे कार्य को करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित किया। अच्छे हैं बच्चे सारे, परिवार जैसे रहते हैं सब। यहाँ का लेवल बहुत अच्छा है, बच्चे हमारे स्कूल से बच्चे आगे तक जाते हैं, आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम वगैरह में टॉपर करते हैं। नहीं, वैसे टीचर्स बाहर साकी अच्छे हैं, बाकी सर भी हमारे सपोर्ट करते हैं बच्चों को आगे, अगर स्कूल निकलने के बाद भी। बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा भी आता है पढ़ने में, बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं। मैं शुरू से ही पढ़ रही हूँ, जब ये मतलब स्कूल जब से खुला है, मतलब जैसे शुरू शुरू में पढ़ता है, नर्सरी से पढ़ता है, वैसे ही शुरू से। यहाँ के टीचर्स अच्छे हैं और जो भी पढ़ाती हैं सब समझ में आता है। यहाँ पे सर, हमारे प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं, वो हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं और यहाँ के बच्चे भी बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई में अच्छे हैं, तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है हमें उनके लिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती बिल्कुल, मतलब कोई ऐसी वो नहीं है, कोई फंड वंड कुछ नहीं रख रखा, बिल्कुल साधारण। अब जो है एडमिशन फीस भी अभी रखी गई है, 2-4 साल से, तब से एडमिशन फीस भी नहीं होती थी, सब स्कूलों के देखते हुए फीस बहुत कम है उस स्कूल। यहाँ पर काव्य पाठ का आयोजन भी किया गया, जिसमें एक बहुत छोटी बच्ची ने लोगों का मन मोह लिया, आप भी सुनिए। पत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी रह नहीं पाता है, पीसा जाता जब इक्षुगन, झरती रस की धारा अखर, मेहनत
मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललाम का शिकार, जब फूल पे रोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश श्रेता कौन हुआ, नवथर प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को जोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और रण एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसूर तो खिलते हैं पर बाघों में शान लगते हैं। यादव कुल दीपिका रजत जयंती का आयोजन बहुत भव्य तरीके से किया गया और यह प्रण भी लिया गया कि आगे भी यह निरंतर रूप से चलता रहेगा और लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने समाज के बारे में, अपनी गौरव गाथा के बारे में बताएंगे और लोगों को जोड़ेंगे, ताकि यह समाज और आगे अग्रसर हो और लोगों की भलाई का काम भी करता रहे। न्यूज़ भारत टीवी दिल्ली।